कांग्रेस के संगठनात्मक बैठक की सूची से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम गायब होने पर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ का नाम सूची में नहीं होना कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद 2 दिवसीय संगठन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हारे जीते सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया। कांग्रेस को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए, इसके लिए 7 समितियां बनाई गई, जिसमें प्रदेश के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। हालांकि इस सूची में पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम नहीं है, जिस पर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम नहीं होना कांग्रेस की गुटबाजी को उजागर करता है, और जब ये सूची सबके सामने आएगी तब कांग्रेस में उछल पुथल मचना तय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस ने 2 दिवसीय बैठक की। इस बैठक को उन्होंने नाम दिया है संगठनात्मक मंथन बैठक। 2 दिन में सभी वरिष्ठ नेताओं से बुलाकर चर्चा करी, छोटे बड़े सभी नेताओं को बुलाया गया है, हारे जीते सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है, और कहा गया है कि मंथन कर हमने वापस पार्टी को कैसे खड़े करें इसके ऊपर चिंतन किया। और अंदर से जो खबर निकल कर आ रही कि इस मंथन के बाद कांग्रेस ने अलग अलग जवाबदारी देते हुए 7 अलग अलग समिति बनाई है, जिसकी जवाबदारी अलग अलग बड़े नेताओं को दिए। इन समितियों में प्रदेश के हर छोटे बड़े नेताओं को शामिल किया गया, लेकिन सूची देखने के बाद आश्चर्य हो रहा है कि इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का नाम नदारद है। कमलनाथ जी को 7 समितियों में से एक में भी जगह नहीं दी गई। समझा जा सकता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। बात तो खड़े होने की कर रही, लेकिन इस फैसले के बाद कांग्रेस का लड़खड़ाना आता है, क्योंकि बड़ा बवाल मचेगा। सूची जब सामने आएगी अधिकृत रूप से घोषित होगी, क्योंकि कांग्रेस का अंतर्कलह गुटबाजी एक बार फिर सामने आएगी और एक बड़ा बवाल कांग्रेस में फिर देखने को मिलेगा। जो कांग्रेस खड़े होने का प्रयास कर रही है, ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार धड़ाम से गिरेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।